श्रीमती बाबू देवी ओटमल जी गोरा जी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतड़ा व राजकीय महाविद्यालय रेवतड़ा का हुआ भूमि पूजन व शिलान्यास। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ शिलान्यास कार्यक्रम। साइला उपखंड के रेवतड़ा में भामाशाह के सहयोग से निर्मित होने वाले श्रीमती पाबू देवी ओटमल जी गोरा जी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतड़ा का भूमि पूजन व शिलान्यास एवं बजट घोषणा 2022-23 के तहत 4.50 करोड़ से निर्मित होने वाले राजकीय महाविद्यालय रेवतड़ा का भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम रविवार को जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर के मुख्य आतिथ्य में रविवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर ने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से रेवतड़ा को शिक्षा और स्वास्थ्य के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में आमजन का निःशुल्क इलाज सुविधा प्रदान कर रही है। जिले के 80% परिवार इससे जुड़ चुके हैं। पुखराज पारासर ने राजस्थान बजट 2023 को जालोर जिले के लिए ऐतिहासिक बताते हुए राज्य सरकार के खर्च पर मेडिकल कॉलेज व जिले में सड़क निर्माण सहित विभिन्न सौगातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने रेवतड़ा में ग्राउंड व फर्स्ट फ्लोर सहित श्रीमती पाबू देवी ओटमल जी परिवार की ओर से अत्याधुनिक फैसिलिटी के साथ बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भामाशाह जोगराज, रमेश कुमार, जयंती लाल व प्रवीण कुमार का सदैव जनसेवा में आगे रहने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान जैन संत चंद्रेश विजय महाराज, जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग व पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल द्वारा भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानव सेवा को ही सच्ची सेवा बताया। कार्यक्रम के अंत में भामाशाह जोगराज जैन ने सभी का आभार जताया। इस दौरान जिला कलेक्टर निशांत जैन, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, प्रधान ढोमी देवी, पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल, भूदान बोर्ड सदस्य नैन सिंह राज पुरोहित, साइला उपखंड अधिकारी सूरजभान विश्नोई, तहसीलदार कौशल्या जांगिड, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सवाई सिंह, जीत मलसोफाड़िया, हरचंद कुमार कर्तौनी, राज पुरोहित सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। जी जोगराज जी, जो आपने इतना बड़ा ये महान कार्य किया है, इसके पीछे आपको प्रेरणा किसकी है? इसके पीछे हमारे माता पिता की प्रेरणा है। उन्होंने अपने समय में यहाँ स्कूल का निर्माण किया था, एक हॉस्पिटल का भी निर्माण किया था, लेकिन वो अपने समय में एक लिमिटेड रूप में हुआ था उस टाइम पे। तो हमारी दादी के नाम से अभी भी चल रही है कॉलेज और स्कूल। अभी हमने इसका भव्य रूप दिया है स्कूल का और प्राथमिक शिक्षा। ये जो महाविद्यालय भवन का निर्माण, ये भी आप ही करवा रहे हैं? हाँ, ये 3 साल से चल रहा है और इसका काम अभी लगभग पूर्ण होने। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी आज भूमि पूजन है हॉस्पिटल की, तो आप सब गांव वाले पधारे, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका, आप पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अपना समय निकाल, आप समय निकाल के पधारे और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के दौर में जहां लोग बिना मतलब के कोई रिश्ता नहीं बनाते, सम्मान और स्नेह दिया, इसलिए हम नतमस्तक होकर आप सबका धन्यवाद करते हैं। आपके साथ पिताजी ने एक सपना देखा था कि गांव की उन्नति हो, पलना चाहता था। हमने इसी राह पर चलकर एक प्राइमरी स्कूल तैयार की थी जो वक्त के साथ एक एडवांस स्कूल का रूप ले रही है। शिक्षा के क्षेत्र में